हेलो फ्रेंड्स, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ये गाना जितना सुपर हिट है उससे कहीं ज़्यादा गोरा रंग। लड़की हो या लड़का, सब गोरे रंग के दीवाने हैं। सबको गोरा रंग चाहिए और उसके लिए कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, कितना भी टाइम पार्लर को देना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस गोरे रंग से, जिसको पानी के लिए न जाने कौन कौन सी महंगी क्रीम लगा डालते हैं। गोरा रंग कैसे पाए, ये तो शायद भूकंप से भी बड़ा मुद्दा हो गया है। आज उसी मुद्दे को मैं सुलझाने आई हूँ, वो भी घरेलू नुस्खों के साथ, जिसमें न तो पैसे की खपत और न ही टाइम की, क्योंकि आप जब भी फ्री हो ये नुस्खे अपना सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। गोरा रंग करने के लिए मिश्री और सौंफ को बराबर मात्रा में लेकर रोज सुबह दूध के साथ फाकिए। इससे रंग गोरा होगा और अगर प्रेगनेंसी में आप इसे खाती हैं तो बच्चा भी गोरा पैदा होगा। चेहरे पर दही का मास्क लगाइए और फिर कुछ देर सूखने के बाद चेहरे को दूध से धो लीजिए। इससे रंग गोरा और फेस शाइनी होगा। भाप यानी स्टीम लेने से चेहरा हेल्दी और क्लीन होता है। पुदीना से भी रंग गोरा होता है। इसके लिए पुदीने की पत्तियों को पानी में उबाल लीजिए और इसे ठंडा कर लीजिए। फिर इस पानी से नहाइए और कुछ ही दिनों में रंग गोरा होने लगेगा। आंवला चेहरे की रंगत के साथ साथ धीरे धीरे त्वचा के रंग को भी निखारता है। इसलिए 2 महीने तक अगर आप आंवला खाते हैं या इसका मुरब्बा खाते हैं, धीरे धीरे चमक वापस आने लगेगी। हल्दी और बेसन लीजिए, उसमें दूध और मलाई डालकर मिक्स कर लीजिए और फिर इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद चेहरे को पानी से धो लीजिए, इससे भी चेहरा गोरा होगा। अगर आप गोरी त्वचा पाना चाहते हो तो बादाम खाएं। रात में भीगे हुए कुछ बादामों का पेस्ट बना लीजिए और इसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद डालकर चेहरे पर स्क्रब की तरह मलिए। आप बेसन का भी पैक बनाकर लगा सकते हैं। इसके लिए बेसन पाउडर में 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल और कच्चा दूध मिलाकर उबटन तैयार कर लीजिए और इसे धीरे धीरे शरीर पर मलिए। जब तक ये सूख जाए तो इसे रगड़कर निकाल दीजिए, इससे भी रंग गोरा होगा। मसूर की दाल लीजिए, इसमें नींबू का रस, अंडे की जर्दी और कच्चे दूध को मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और इसे चेहरे पर लगाइए। अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो पानी के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए और इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगाने के बाद चेहरा साफ पानी से धो लीजिए। आम के छिलकों को अलग निकाल लीजिए और इन्हें दूध के साथ मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और गर्दन से चेहरे तक इस पेस्ट को लगाइए। इस उपाय से भी आपकी त्वचा कुछ ही दिनों में गोरी होने लगेगी। त्वचा को गोरी बनाने में गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। दूध के साथ गुलाब जल को मिलाकर रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाइए और कुछ दिनों तक ऐसा लगातार करिए। स्किन फेयर और ग्लोइंग होगी। जितना हो सके पानी पिए। पानी पीने से त्वचा में कसावट आती है और चेहरा गोरा और साफ बनता है। आइए मैं आपको बताती हूँ अन्य घरेलू उपायों के बारे में। ताजे कच्चे दूध से चेहरा धोने से भी रंग गोरा होता है। गेहूं के आटे में दूध मिलाकर उबटन बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं। कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा। गाजर का इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट आधा कप या 1 गिलास गाजर का जूस पिएं। यह रंग को धीरे धीरे निखारता है। 1 चम्मच चंदन के पाउडर में टमाटर और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाइए और इसे अपने गर्दन और चेहरे पर लगाइए और बाद में ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। सूर्य की किरणों से निकलने वाली यूवी रेज आपकी गोरी त्वचा का रंग उड़ा देती हैं, जिससे चेहरे पर काले काले चकत्ते पड़ने लग जाते हैं। घर से बाहर जाते समय अपने चेहरे को कपड़े से ढकें और अपने साथ छाता रखें। अगर आप धूप से अपनी त्वचा को बचाती हैं तो इससे आपके चेहरे का गोरापन वापस आ जाएगा। गोरी त्वचा के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप ऑयली खाने से परहेज करें, क्योंकि ऑयली और चटपटा खाने से चेहरे के पोषक तत्व डैमेज होते हैं। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर मलाई लगाएं और सुबह ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें। इस उपाय से चेहरे की समस्याएं ठीक रहती हैं। गाय का कच्चा दूध चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है।
घर में मौजूद एलोवेरा को काटकर उसका जेल निकाल लीजिए और इसको रोज चेहरे पर लगाइए। इससे स्किन ड्राई नहीं रहेगी और गोरी होगी। चेहरे की सबसे बड़ी समस्या होती है दाग, धब्बे और मुहासे। चेहरे का रंग कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर ये चीज़ें चेहरों को ख़राब बनाती हैं, इसलिए नारियल पानी से चेहरा साफ कर लेना चाहिए। चेहरे में निखार और कोमलता लाता है नारियल पानी। इसके अलावा आप नारियल का पानी को पी भी सकते हैं। सोना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कम से कम 8 घंटे सोते हैं तो इससे आपकी त्वचा की समस्या और डार्क सर्कल्स आसानी से दूर हो जाएंगे। मुहासों और दाग धब्बों के लिए आप शहद, नींबू और दही का पेस्ट बनाकर भी लगा सकती हैं। इसके लिए 1 कटोरी दही में नींबू का रस और थोड़ा सा शहद मिलाइए और इसे अच्छे से घुमाकर पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसके बाद इस पेस्ट को 20 से 30 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दीजिए। बाद में ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लीजिए। इससे मुहासे और दाग धब्बे हटेंगे और चेहरा भी साफ होगा। तो अब मार्केट की महंगी महंगी क्रीमें और पार्लर को भूल जाइए और घरेलू नुस्खों को अपनाकर गोरा रंग पाइए, क्योंकि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और स्किन गोरी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगी। और ऐसे कई नुस्खों के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे विद अस।